हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेल का जो आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके थोड़ा सा आगे हम बढ़ता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा पार्ट आप लोगों का बचा है। इसमें आप लोगों को ये सारी चीजें बताया गया कि सेल क्या है, सेल की खोज किसने किया था, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, बाद में जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी किसने अच्छे तरीके से सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखा था, दूसरा सेल थ्योरी किसने दिया था। जैसा कि आप सबको पता है, मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी को दिया। और सेल थ्योरी आने वाले समय में एक मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से प्रचलित हो गई, जो आज के समय हम सेल थ्योरी, न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों को आपका श्रेय जाता है। सेल थ्योरी में क्या कहा था, सेल थ्योरी ये कहता है कि जितने सारे आपके सेल्स हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं, और सबका शरीर जो होता है एक सेल से मिलकर बना होता है। यानी कि ब्रह्मांड में जितने सारे जीव है, जो जिंदा है, उसका शरीर आपका सेल से ही मिलकर बना है, और जितने सारे सेल्स की उत्पत्ति हो रही है उनके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हो रही है। यानी कि अगर एक इंसान में अगर देखा जाएगा तो एक इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि पूर्ववर्ती, यानी कि हमारे माता पिता से ही हमारी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीजें दिखाया गया था। और सेल बच्चों को बताया गया कि सेल आपका अलग अलग तरह का होता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स है, सारे सेल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे मान लो लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जो सेल्स है उनका अलग फंक्शन है। किडनी है, किडनी के अंदर जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उनका अलग काम है। स्टमक है, स्टमक के अंदर जो सेल्स है उनका अलग काम है। हार्ट है, हार्ट के पास जो सेल्स है उनका अलग काम। तो जितने सारे सेल्स है, सारे सेल्स का एक प्रॉपर काम है। सब अपना अपना अलग अलग तरीके से काम फंक्शन और करते हैं, और उनके काम के ही हिसाब से उनका सेल का बनावट भी है। जैसे कि अगर यहाँ पे बताया गया था लाल रुधिर कोशिका, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम जानते हैं, ये अगर देखा जाएगा तो ये क्या होता है, गोल होता है, बीच में से दबा होता है, ताकि इसका आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को ये एक्युमुलेट कर सके, इसीलिए इसको गोल बनाया गया। देखो यहाँ पे ये क्या गोल है, लेकिन बीच से क्या है, ये आपका बीच से दबा हुआ, जैसे कैरम बोर्ड की गोटियां नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह। दूसरा अगर देखा जाएगा डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी कैसी आकृति होती है, डब्ल्यूबीसी अगर देखा जाए तो बिल्कुल अमीबा की तरह आकृति होती है। अमीबा की तरह मतलब इसका कोई आकार आकृति फिक्स नहीं होता है। इसके बाद तुरंत आपका अगर कोई बैक्टीरिया फेज आएगा, तुरंत उसको क्या कर देगा, अपने जो उसके कुटपाद होते हैं उनके द्वारा उनको धसा के अंतर की तरफ लेकर चला जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाएगा, ये सब क्या होती है, ये सब अवस्था का उपकला कोशिका पतली और सक्रिय होती है। ये सब पौधों के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, सब ट्यूब्स होते हैं, जिनको क्या करना होता है, ऊपर बहुत काफी ऊपर ऊंचाई तक पानी को पहुंचाना होता है, जो पतली पतली ट्यूब्स के रूप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस नर्वस सिस्टम का क्या होता है, लंबा होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसे दूर दूर तक सूचनाओं को क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। इसलिए नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाएगा, ये सब क्या है, इसकी सब डंडियां हैं जो दूर दूर तक सूचना को पहुंचाती, इसीलिए ये लंबी लंबी है। यहाँ पे देखो एक वाई का दृढ़ी करती, ये सब क्या है, सब वेजिकल्स है, पौधों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ताकि ऊंचाई तक पानी को ले जा सके, खाना को लेकर जा सके। और ये मध्योतिकी कोशिकाएं हैं, ये मध्योतिकी कोशिकाएं करती, जिसे मेसोफिल सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कैसी होती है, सब स्पेरिकल गोल गोल होती है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन भरे और वो ऑक्सीजन CO2 के साथ क्रिया करके ग्लूकोज बनाए, और प्लस क्या दे, ग्लूकोज तो बनता ही, ऑक्सीजन तो मिलता ही है, और CO2 H2O के साथ मिलता है, ग्लूकोज बनता है और आपको ऑक्सीजन मिलता है, प्लस उसके साथ आपको ATP एनर्जी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें थे, छोटी छोटी चीजें। और एक बच्चों आप ध्यान देना, ये यहाँ पे जितने सारे छोटे जो आपके यूकैरियोट्स प्रो कैरियोट्स उनका साइज भी दिया है। तो देखो यूकैरियोट्स का जो सेल का साइज होता है वो 10 से 20 मिली माइक्रोमीटर होती है, प्रो कैरियोट्स का इसका 10 गुना कम कर दो, 102 मिली माइक्रोमीटर हो गया। प्लाज्मा का अगर इससे कम कर दो 10 गुना, तो इस कितना होगा, 0.01 से लेकर 0.03 तक हो सकता है। तो ये देखो, ये जो है ये नॉर्मल है, ये NCERT में दी गई मान है 0.03 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा, ये जो है हमारा क्या नाम है, जो RBC वगैरह होती है उसका 7.4 माइक्रोमीटर के हिसाब से है। और वायरस तो और हमारा छोटा होता है, कितना छोटा, इसका 10 गुना कम करते हैं, 0.02 से लेकर 0.2 मिली माइक्रोमीटर के हिसाब से हमारा वायरस होता है, ठीक है बच्चों। आज हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये सब हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दुनिया में जितने सारे जो सेल है, सारे सेल दो ही प्रकार के होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक आपका यूकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रॉपर आपके न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में, यानी कि दुनिया में सबसे पहले जो आने वाले जो सेल्स थे, यही सब प्रोकैरियोट्स थे, पुराने वर्ग के ही यही सब जीव थे। इनके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता गया, तक करोड़ों साल तक इनके अपने शरीर को बदलाव करते 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 आज के समय में इसी प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स बना है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा इन्हीं का ज्यादातर हमारी पृथ्वी पर समय गुजरा, यानी कि अपने अंदर क्या कि बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई किए, मतलब रूपांतरित किए, उनको बदले, ठीक है। तो आज हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट जो होता है, जितने सारे सूक्ष्म जीव है जिनका शरीर एक सेल से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आपका बैक्टीरिया आएगा, इसी में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, इसी में आपका माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं जीवाणु, नीली हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोरिया सम पीपी येल्लो मिलते हैं। बिल्कुल सही, जितने सारे प्रोकैरियोटिक आपके जीव है जिनका शरीर एक सेल से मिलकर बना होता, उनके अंदर जीवाणु भी आएगा, सेल भी आएगा, माइकोप्लाज्मा भी आएगा, जिसे हम पीपी येल्लो के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या होती है, सबसे छोटी होती है। देखो बच्चों अगर देखा जाएगा जमीन आसमान का अंतर है कितना ज्यादा छोटा, 10 गुना छोटा होता है आपका कौन प्रोकैरियोट, और 10 गुना अगर बड़ा देखा जाएगा तो आपका होता है कौन यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट आपका काफी छोटा होता है यूकैरियोट के मुकाबले में, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला देखो यहाँ पे कह रहा है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि और काफी तेजी से विभाजित भी होता है, बहुत तेजी से विभाजित होगा। अगर मान लो ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है तो ये क्या करते हैं आधे घंटे में, एक एक घंटे में हजारों हजारों सेल्स क्या करते हैं, ये पैदा करते रहते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल भी अपना दुगुना बनाते रहते हैं, ठीक है। काफी तेजी से विभाजित हो, कह रहा है माप का आकार काफी भिन्न होता है, इनका माप भी क्या होता है यूकैरियोट से काफी भिन्न होता है। जीवाणु के चार मूल आकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार, कोशाकार और सर्पिलाकार। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आपकी बैक्टीरिया आती है बच्चों, ये आपके चार प्रकार के होता है। कोई कोई आपका सर्कुलर होता है, कैसा होता है सर्कुलर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं गोलाकार होता है, यानी कि कोई कोई बैक्टीरिया जो होती है गोल होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई कोई बैक्टीरिया जो होती है आपके अगर देखा जाएगा दंडाकार होते, दंडाकार का मतलब होती है वो रॉड सेप्ट की होती है, रॉड सेप का होता है यानी कि डंडे के आकार का जैसा होता है। तो डंडे के आकार में अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल इस तरह का होता है डंडे के आकार का। तीसरा जो कह रहा है कि कोई कोई बैक्टीरिया आपके कॉमा शेप की होती है, तो ये हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया हो गया, जिसे कॉमा शेप बैक्टीरिया के नाम से, कॉमा शेप का मतलब कॉमे शेप होता है, ठीक है ना, कॉमा टाइप का बैक्टीरिया। ये कैसा होता है बिल्कुल इस तरह का होता है, कॉमा जैसा होता है। चौथी बैक्टीरिया जो होती है वो आपकी स्पायरल बैक्टीरिया होती है, स्पायरल शेप, स्पायरल शेप बैक्टीरिया का मतलब होता है सांप के जैसी बैक्टीरिया होते, तो ये हमारा सांप के जैसे बैक्टीरिया हो गए। तो अलग अलग बीमारी अलग अलग तरीके से आपके बैक्टीरिया होते और अलग अलग तरह से उनका नाम होता है। यहाँ देखो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर देखा जाएगा इसका मूल भूत संगठन आकार और कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जितने सारे आपके कोशिका है मतलब है उनका संगठन आकार कार्य में विभिन्नता बावजूद एक सा होता है, सब कुछ एक जैसा होता है, यानी कि अगर देखा जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं सब मिलकर एक ही काम करते हैं। कह रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक में एक सा होता, फिर देखो कह रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर देखा जाएगा कोशिका भित्ति होती है, सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, यानी कि अगर देखा जाएगा कि वह माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा बैक्टीरिया होती है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अगर बाहर देखा जाएगा तो हमारा क्या मिलता है, इसके बाहर अगर देखा जाएगा तो इसके बाहर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, क्या मिलता है, सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरी अगर देखा जाता तो क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल होता है। तीसरा लेयर देखा जाएगा तो तीसरा लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यही ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों बीमारी पैदा करती है। जैसे हम देखो जब हमें बैक्टीरिया अटैक करती है, इन्वायरमेंट में सब बैक्टीरिया है, देखेगी इसके अंदर का इन्वायरमेंट ठीक ठाक है तो तुरंत अटैक कर देगी, सर्दी खांसी जुकाम बुकान, ये क्या होता है अचानक मौसम जब बदला होता है तो तुरंत हमारे बॉडी के अंदर इनहेल कर जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब बैक्टीरिया हमारे अंदर जाती है तो बीमारी पैदा करते जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम दवाइयां खाते हैं, और दवाइयों में एक दवाई खाते हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जैसे दवाइयां खाते हैं वो एंटीबायोटिक दवाइयां क्या करते हैं बच्चे, बैक्टीरिया के ऊपर की जो सबसे बाहर की दीवार है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, इस ग्लाइकोकैलिक्स के परत को क्या करती है एंटीबायोटिक घुला देती है, ये ऊपर वाली को ग्लाइकोकैलिक्स के ही परत को घुलाती है। जब ग्लाइकोकैलिक्स के परत को घुला देगी तो अंदर के ऑटोमेटिक सारी चीज क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें, तो वही कह रहा है कि सेलवाल दूसरे नंबर पर आएगी, प्लाज्मा पहले नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर ग्लाइकोकैलिक्स आएगी, इन्हीं तीनों मिलाकर चीजों को हम सेल इन्वेलप के नाम से जानते हैं, सेल इन्वेलप के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका लिफाफा।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर, केवल माइक्रोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती है। फिर देखो कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, इसमें कोई सुस्पष्ट विभेदी केंद्रक पाया नहीं जाता। यानी कि इसका कहने का मतलब बच्चों क्या है कि ये जो हमारा सेल है ना, ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर का जो भाग है, जो मैट्रिक्स है, तरल लिक्विड पदार्थ, इस तरल लिक्विड पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहा है, किसके अंदर, मतलब जैसे हमारा यूकेरियोट्स होती है तो उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर हमारा देखा जाएगा झिल्ली होती है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं होती। इसका जो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका पड़ा रहता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये पड़ा रहता है, इस पड़े हुए हिस्से को ही हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड कहते हैं, न्यूक्लियॉइड के नाम से जाना जाता है। फिर देखो आगे कह रहा, कोई केंद्रक नहीं पाया, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अनुवांशिक रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता, यानी कि कोई भी इसके पास झिल्ली नहीं पाया जाती, इसीलिए तो इसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसके बाहर कोई आपको ऐसी झिल्ली दिखाई दे रही है जो यहाँ पे है, नहीं है, इसके बाहर कोई दीवार ही नहीं है। जैसे मान लो अगर पूछा जाए बच्चों कि हम छत पे खड़ा हो जाए, तो छत पे जब खड़ा होंगे तो कोई हमसे पूछेगा कि आप कहाँ है, तो हम कहेंगे ना छत पे खड़े हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि छत पे कहाँ खड़े हैं, तो मान लो अगर छत के ऊपर अगर चारों तरफ से अगर दीवार लगा दिया जाए और उस दीवार के अंदर हम हो, तो हम ना कहेंगे छत पे है लेकिन ऊपर वाले रूम में है, चार दीवारी के अंदर। तो चार दीवारी क्या है, एक तरह से हमारी न्यूक्लियस है, एक दीवार है, उस दीवार के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर उस दीवार को हटा दे तो केवल खाली आपको छत दिखाई देगा, तब हम कहेंगे हाँ हम छत पे हैं, लेकिन किसी कमरे में नहीं है। समझ में आ रहा है। तो सेम इसी तरह हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, इसके अंदर कोई कमरा नहीं है, केवल छत है, और छत पे सब इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र होता है, वो कैसा होता है, गोलाकार जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा गोलाकार डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। फिर कभी कभी कह रहा है कि जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के रूप में बाहर पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कभी कभी इसके अंदर देखा जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, एक अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ इस तरह का गोलाकार इस अतिरिक्त डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये बच्चों ये प्लाज्मिड अगर देखा जाएगा ना, है सर्कुलर जो डीएनए है, ये हमारा डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसे सर्कुलर कहते हैं। इस सर्कुलर डीएनए के अलावा इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ और डीएनए पाए जाते हैं जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड को बच्चों अगर हटा दिया जाएगा तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस प्लाज्मिड का उपयोग अगर देखा जाएगा साइंटिफिक रूप से, इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इस प्लाज्मिड के ही अंदर हम मानव इंसुलिन के कोई भी जीन को जोड़कर हम अतिरिक्त इसके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही कह रहा प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड वृत्त डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट संलक्षणों को बताते हैं, उनमें से एक प्रतिजैविक के प्रतिरोधी है, ठीक है ना। यानी कि एंटीबायोटिक रूप में तरीके से ये क्या करता है, सब काम करता है। इसी के अंदर हमको एंटीबायोटिक दवाइयां के जीन वगैरह लगा दिया है, तो तेजी से ये क्या करेगा, प्लाज्मिड उसे एंटीबायोटिक दवाइयों के जीन्स को बनाने लगेगा और हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इसका बायोटेक्नोलॉजी में इसका बड़ा ज्यादा उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। कह रहा है कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबंधन हेतु उपयोगी है, ठीक है ना। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, वही कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली जो है यहाँ पे यूकैरियोट्स में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, सपोज दैट मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ये हमारा क्या है बच्चों, देखो ये हमारा मान लो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर अगर देखा जाएगा तो प्रॉपर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल कौन है हमारा, डीएनए है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे। तो फिर देखो यहाँ पे कह रहा है पाई जाती है राइबोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोट अंगक नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहा है राइबोसोम्स के अलावा अगर देखा जाएगा कोई अन्य अंगक है ही नहीं कि जो यू प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए। तो राइबोसोम अगर देखा जाएगा बच्चों, तो इस हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है, हमारा राइबोसोम होता है, बिल्कुल बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। कितने प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के होते। तो ये एक ऐसा अंग है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जा रही है, जो यूकैरियोट्स के भी अंदर पाए जाते हैं। यानी
कि यहाँ भी अगर देखा जाएगा तो कुछ बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आपका जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। यस जो है कि आपका डेंसिटी मास को मापता है, यानी एक स्वेडबर्ग यूनिट है जिससे किसी चीज को हम माप सकते हैं, उसके घनत्व को, उसके आयतन को। तो यही है एक राइबोसोम। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि 70th राइबोसोम्स किसमें भी पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जितने सारे जीव आ गए, बैक्टीरिया आ गया, माइकोप्लाज्म आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गा आ गया, उसके अंदर 70S पाया जाएगा। और यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो 80S पाया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, इस यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा बच्चों दो चीज और, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के न्यूक्लियस के अंदर, सपोज दैट अगर मान लो ये हमारा सेल है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होता है उस राइबोसोम्स को 70S कहते हैं। अगर यही मान लो क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारा राइबोसोम होगा 70S होगा, और यही माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाएगा तो 80S होगा, और यही साइटोप्लाज्म के कोशिका के द्रव्य के अंदर देखा जाएगा तो यही आपका 80S होगा। तो ये दो चीजें याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के साइटोप्लाज्म में 80S पाया जाएगा, और इन दोनों के यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के न्यूक्लियस के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता उनके सबसे कोशिका झिल्ली के एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम्स कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली से अंतर्वलन होता है यानी कि फोल्डेड होता है। कभी कभी कह रहा है बच्चों कि ये जो मान लो सपोज दैट ये जो हमारा सेल है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक का जो अंदर वाला सेल है जिसे हम क्या कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना ये अंदर क्या हो जाती है फोल्डेड हो जाती है कुछ इस तरह, और फोल्डेड होकर एक संरचना बना लेते जिसे कहा जाता है मेसोसोम। क्या कहा जाता है मेसोसोम। ये मेसोसोम अगर देखा जाएगा तो ये मेसोसोम हमारे यूकैरियोट्स के बिल्कुल किसके जैसा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। किसके जैसा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सपोज अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। इससे जानते हो ये अंदर क्यों मुड़ गई है, ताकि इसका आयतन बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या लगे एंजाइम लग सके, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो, प्रोटीन बना सके, इसीलिए इस जगह को क्या किया गया फोल्ड किया गया है। समझ में आ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जगह इसके अंदर है, जितना ही अंदर जगह रहेगा उतना ही तेजी से एंजाइम बनेगा, उतना ही तेजी से क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा। जब प्रोटीन बनेगा तो बैक्टीरिया को भी फायदा भाई, वो भी अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, यूकैरियोट्स तो अपना जीवन चक्र पूरा कर ही रहा है। तो ये जो मेसोसोम है और ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही है, यानी कि दोनों का काम सेम है। मेसोसोम का भी काम है आपका एनर्जी यानी कि प्रोटीन डेवलप करना, और इसका भी काम वही है प्रोटीन यानी कि एनर्जी डेवलपमेंट करना। जब तक एनर्जी डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये जिंदा कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो वही कह रहा है अंतर फोल्डेड होते हैं। आगे देखो कह रहा है बच्चों कोशिका आवरण तथा इसके रूपांतर। देखो कह रहा है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं, यानी कि यही प्रोकैरियोट्स की दीवार की बात कर रहा है, जिसमें बाह्य पद ग्लाइकोक्लोरिक्स होती है, तत्पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति होती है, और सबसे नीचे हमारी जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, यह तीनों परत मिलकर एक सुरक्षात्मक इकाई बनाते हैं। अभी बात किया गया बच्चों सपोज दैट ये हमारा क्या, यही हमारा जो बैक्टीरिया सेल है जो अभी हम बना है, इस बैक्टीरिया सेल के सबसे बाहर की ये दीवार हमारी कौन सी होगी, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, कौन सी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी है जो दीवार होगी इसे हम क्या कहेंगे सेल वॉल कहेंगे, ठीक है ना। बैक्टीरिया की दीवार है, बैक्टीरिया की तीसरी जो दीवार है इसे हम क्या कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, और यही तीनों मिलकर क्या बना रही है सेल इनवेलप बना रही है, सेल का इनवेलप बना रही है, जो तीनों का काम आपका क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण विभिन्नता एवं ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न प्रकार के व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया इसको दो भागों में बांटा गया, बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया, यानी कि एक बैक्टीरिया आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एक आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है आपकी,
और दूसरी अगर देखा जाएगा तो एक आपकी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है फायदेमंद है, फायदेमंद का मतलब देखा जाएगा ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल मतलब ये बीमारी काज नहीं करती है, और ये जो है निगेटिव वाली ये आपकी हार्मफुल है, यही तो बीमारी पैदा करती है हार्मफुल वाली। देखो बच्चों बैक्टीरिया जो है ना हमारे लिए लाभदायक भी है, बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि देखो दूध से दही वगैरह बनाते हैं ये सब क्या है बैक्टीरिया की वजह से ही है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये क्या है, बैक्टीरिया है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब इसके ऊपर अगर देखा जाएगा कलर गिराते, कलर गिराने का मतलब डाई किया, जैसे कपड़ों के ऊपर डाई किया जाता है तो कपड़ों का कलर का रंग क्या होता है चेंज हो जाता है, तो सेम बैक्टीरिया के ऊपर हम डाई करते हैं और डाई करने के बाद देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोनों के अंदर अगर डिफरेंस यही है बच्चों, आने वाले समय में इसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे और एक वीडियो प्रॉपर बना के हम रखे YouTube पे डाले हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका क्या अंतर है। तो इसमें अगर देखा जाएगा यही पॉजिटिव वाली बीमारी पैदा नहीं करेगी, निगेटिव वाली आपकी बीमारी पैदा करेगी। जब इसको ऊपर से हम स्टैनिंग करते हैं यानी कि इसके ऊपर डाई जब करते हैं तो डाई करने के बाद दोनों के अंदर अच्छे तरीके से विभिन्नता आ जाती है, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के नाम से हम सो उस चीज को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है ग्लाइकोकले से विभेदित जीवाणुओं में रचना तथा मोटाई में भिन्न होती है, कुछ में ये ढीली आच्छादित होते जिसे अपवंकक परत कहते हैं, दूसरे में ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में होते जिसे संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। देखो बच्चों बैक्टीरिया में अगर देखा जाएगा तो बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, जो ग्लाइकोकैलिक्स ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका हार्ड और दूसरा क्या होता है आपका सॉफ्ट। जो हार्ड परत होती है बैक्टीरिया के बाहर की वो कैप्सूल की बनी होती है, मान लो कोई बैक्टीरिया अगर उसके बाहर का कवच क्या है हार्ड है तो वो कैप्सूल का बना होगा, अगर कोई बैक्टीरिया मान लो अगर आपकी सॉफ्ट है तो वो क्या होती है चिपचिपी होती है, वो जो चिपचिपी होती है उसे हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं कि वो बैक्टीरिया की कैसी होती है स्लाइम लेयर होती है यानी कि चिपचिपी होती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इनके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण में संपर्क बनाए रखने में क्या होती है सक्षम होती है, यानी कि जीवद्रव्य झिल्ली जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं प्रकृति में एक वर्णात्मक है, पॉजिटिव चिन्ह इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में क्या होती है सक्षम होती है, यानी कि हम आपस में बातचीत करके प्रोडक्ट को अंदर बाहर भेज सकते हैं यानी कि प्लाज्मा झिल्ली से होते यानी कि सेल के अंदर। कह रहे कि संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, बिल्कुल यूकेरियोटिक की झिल्ली के ही जैसी होती है। फिर यहाँ पे देखो कह रहे एक विशेष झिल्ली में रचना जो जीवद्रव्य झिल्ली में कोशिका में फैलाव से बनती है को मिजोजोम्स कहते हैं, यानी कि इसी को ही हम मिजोजोम्स कहते हैं। यह फैलाव पुटिका नलिका पटलिका के रूप में होता है, यह कोशिका भित्ति डीएनए प्रकृति संतति कोशिका में विवरण को सहायता देता है तथा श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ से एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीले जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं और इसमें अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों कहने का मतलब यही है कि हमारा जो बाहर का यूकैरियोट्स में क्या होती है झिल्ली होती है, झिल्ली का मतलब क्या होती है बाहर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और यह फैला पुटिका नलिका पटलिका के रूप में भी हो सकता है यानी कि किसी के रूप में भी आपका ये हो सकता है। कोशिका जो भित्ति होती है बच्चों प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, डीएनए प्रकृति या डीएनए से जो नए संतति कोशिका का निर्माण होता है वो कोशिका यानी कि मान लो अगर एक सेल है तो एक सेल से क्या होता है दो सेल्स बनेगा, तो यहाँ पर अगर माइटोसिस होगा तब पूरा गुणसूत्र इन दोनों सेल्स के अंदर जाएंगे यानी कि ये पूरा का पूरा डीएनए भी इनके अंदर जाएगा जिसे कह रहा है डीएनए और इससे संतति कोशिका में विवरण को सहायता देना होता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य के झिल्ली पृष्ठ एंजाइम मात्रा को भी बढ़ाने में क्या होता है सहायक होता है। यहाँ पे देखो कह रहे जीवाणु कोशिका जो होती है चलायमान तथा अचलायमान होती है, इसका कहने का मतलब है जो बैक्टीरिया होती है जो हमारी चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होती है। यदि आप चलायमान है तो किसी कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलेगी, अगर मान लो बैक्टीरिया चल रही है तो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली संरचना मिलेगी, ठीक है, यानी कि मान लो सपोज बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की जो बाहर की जो दीवार है ये बहुत पतली मिलेगी, कह रहे जिसे कशाविका कहते हैं, जिसे कशाविका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाविका का मतलब होता है फ्लैजिला, पतली संरचना जिसे कशाविका, जीवाणुओं में कशाविका की संख्या में विन्यास का क्रम अलग अलग होता है। जीवाणु कशाविका फ्लैजिलम तीन भाग में बटा होता है, तंतु और कुछ आधारित शर्करा, और तंतु कशाविका का सबसे बड़ा भाग आपका सीलिया होता है या कोशिका के बाहर की ओर क्या होता है फैला होता है। सपोज दैट अगर मान लो अगर बच्चों देखा जाए तो ये क्या होती है, ये हमारी बैक्टीरिया जो है ना, ये मान लो ये हमारी बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये हमारा सर्कुलर डीएनए, ये डीएनए हमारा कैसा है बच्चों सर्कुलर डीएनए है, यही ना है। इस डीएनए के अंदर क्या है, इस डीएनए के अंदर हमारा प्लाज्मिड है, यही ना इसका कहने का मतलब है, इसका प्लाज्मिड है। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये सब क्या है, ये सब राइबोसोम है, ये सब क्या है, ये राइबोसोम है, ये क्या है, ये सब अगर देखा जाएगा तो साइटोप्लाज्म है, यही ना देखा गया था। और इसका अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोड़ का एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसे हम क्या कह रहे थे, मेसोसोम है, ये ना था। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाएगा बैक्टीरिया के बाहर की कितनी लेयर है, तीन लेयर है। तो यहाँ पे लेयर सबसे पहले अगर देखा जाए, लेयर तो लेयर में अगर देखा जाएगा बच्चों, लेयर में अगर देखा जाएगा तो तीन लेयर है। कौन कौन सी लेयर है, यही तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, देखो एक तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा लेयर तुम्हारा कौन हो गया, सेल वॉल हो गया, और तीसरा तुम्हारा लेयर कौन हो गया, ग्लाइकोम कैलिक्स हो गया। इन तीनों को मिलाकर हम सेल इनवेलप के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर राइबोसोम मिलेगा, किसके अंदर राइबोसोम मिलेगा बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम, कुछ कितना प्रकार का, 70S प्रकार का। तीसरा बच्चों इसके अंदर कैसा डीएनए मिलेगा, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, गोल गोल। और ये जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, जिस रीजन में स्थित होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी UCLU न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर तरल पदार्थ हो रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये ना है। बैक्टीरिया के बाहर देखा जाएगा बच्चों एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, लंबी लंबी कसाब होती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या होती है बच्चों, फ्लैजेला होती है। और फ्लैजेला किस में हेल्प करती है, आपकी मूव में करती है, यानी कि एक से दो इसकी संख्या आपकी हो सकती है। और बैक्टीरिया के ऊपर अगर देखा जाएगा बच्चों, छोटे छोटे आपके रोम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया के पूरे बॉडी में, इस तरह इस छोटे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया भी क्या होती है, मूव में हेल्प करती है। ये सीलिया जो होती है आपकी स्मॉल होती है, और फ्लैजेला आपकी कैसी होती है, आपकी लॉन्ग होती है। इसकी अगर संख्या देखा जाएगा तो अनलिमिटेड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होता है, सीलिया होता है, ठीक है। ये आपकी हो गई सीलिया हो गई। तीसरा अगर देखा जाएगा बच्चों, इस बैक्टीरिया के पास एक लंबी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस बैक्टीरिया के पास होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिल्लाई कहते हैं। इसी पिल्लाई के माध्यम से बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे में दे देते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया है, यहाँ भी एक बैक्टीरिया है, ये पिल्लाई अंदर ऐसे डाल देती है ट्यूब, यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से होते हुए यहाँ से, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, लेकिन तभी भी इसको अपना जाति बनाए रखना है कि नहीं, तो ट्यूब निकाल के अपना जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे के अंदर क्या कर देती है, भेज देती। तो वही चीज तो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना। पतली संरचना मिलती है, कसाबिका कहते हैं। जीवाणु में कसाबिका की संख्या विन्यास क्रम है, कई हो सकते हैं। जीवाणु कसाबिका फ्लैजेलम तीन भागों में बटा गया, तर्कु तंतु अकुश और आधारीय आपका क्या है, शरीर होता है, ठीक है। बेसल बॉडी होता है, क्या होता है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी बच्चों यही है इसका बेसल बॉडी, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हुक होता है, यही हुक से क्या होती है, ये ऐसी पूंछ निकल जाती है, ठीक है। कसाबिका सबसे बड़ा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। तो क्या फ्लैजेला है, लंबी एक पूछ फ्लैजेला है। फिर क्या रहा है, लंबी पूछ आपकी क्या हो गई, फ्लैजेला हो गई, ठीक है। अब यह कोशिका शरीर के बाहर की ओर क्या होता है, फैला होता है, ये शरीर से आपका बाहर है, दिख भी रहा है। फिर कह रहा है कि जीवाणुओं के शरीर पर पाई जाने वाली संरचना रोम होती है, पतली पतली क्या छोटे छोटा स्ट्रक्चर है जिसे हम रोम भी कहते हैं या झालर कहते हैं, गति में सहायक नहीं होती है, ठीक है। फिर कह रहा है रोम लंबी नलिका का संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन्स की बनी होती है, झालर जो होती है शंकु जैसे तंतु होते जो कसाबिका के प्रवर्धित होते हैं, और कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाले चट्टानों पोषक उत्तकों और चिपकने में क्या करती है, सहायता प्रदान करते है। देखो बच्चों इन बैक्टीरिया के पास अगर देखा जाएगा, ये जो पिल्लाई होती है ना, नहीं पिल्लाई तो नहीं देखेंगे, फ्लैजेलिन होती है, फ्लैजेलिन होती है। फ्लैजेलिन का मतलब अगर देखा जाएगा, इस बैक्टीरिया के पास क्या होती है, ये फ्लैजेलिन होती है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर। इस फ्लैजेलिन के वजह से क्या होती है, ये फ्लैजेलिन होती है, ये फ्लैजेलिन की वजह से जानते हो बच्चों क्या होते हैं, बैक्टीरिया जाकर किसी चीज को ऐसे पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद वहां पे अगर चिपक जाएगी तो वहां से हटने का वो नाम नहीं लेती है। तो ये जो बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजेलिन होती है, फिम्ब्री जिसे कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका फ्लैजेला, ये आपका फिम्ब्री होती है,
फिम्बरी होती है, सॉरी फिम्बरी होती है, जो फिम्बरी होती है ना, फिम्बरी से क्या होती है, चिपक जाती है, होल्ड डाउन हो जाती है और अपनी अनलिमिटेड संख्या उस जगह पे बनाने लगती है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है, जो नुकसानदायक वाली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर देखा जाएगा इंसानों के अंदर, अगर देखा जाएगा ये गोनोरिया सिफिलिस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ये सब क्या करती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यानी कि सेक्स करने के दौरान क्या होती है, अनप्रोटेक्टिव तरीके से किया गया जो सेक्स होता है उनसे क्या होती है, बैक्टीरिया महिला से पुरुष के अंदर या पुरुष से महिला के अंदर वो चला जाता है और जनना को सबसे ज्यादा संक्रमित कर देता है, जिससे क्या होता है महिलाओं के अंदर अगर ये हो गया बीमारी तो इचिंग होगा, खुजली हो गया, वहां से सिक्रीशन हो गया वाटर का, तो ये सारी चीजें होती हैं जो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी कि बैक्टीरिया उस जगह को पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। आई होप बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो अगर समझ में आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, और जो भी आपके कमेंट्स डाउट्स वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और आप एनसीईआरटी को खूब पढ़िए। एक ही एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो, 10 बार नहीं 20 बार पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक वो आपको चीजें समझ में आएगी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।